कैसे, कितनी गहराई से, जीव किसे कहते हैं? तो जीव की पहचान का जो अद्भुत चिन्ह है, जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष से रहित है, वो है उपयोग। जीव की पहचान का चिन्ह आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह, ये वो लोग क्या क्या बताते हैं, इंद्रियां, ये सब जीव के पहचान के चिन्ह नहीं है। एक में मिलेंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे, लेकिन उपयोग के बिना कोई जीव नहीं है। निगोदिया जीव से लेकर सिद्ध तक सब में कोई भी जीव हो, त्रस हो, स्थावर हो, एक इंद्री दो इंद्री कोई हो। इसलिए ये बहुत, अब इस पर चर्चा करो तो एक सेमिनार हो जाए। उपयोगो लक्षणम पर हम आज 8 घंटे का सेमिनार कर सकते हैं, इतना दम है इस पर बहुत। जिसको चेतना कह रहे हैं, मैंने सिद्ध किया अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा में, के लोग कहते हैं साइंस आत्मा नहीं मानती। कैसे नहीं मानती? कॉन्सियसनेस मानती है कि नहीं? जो उपयोग मानता है, चेतना मानता है, वो चेतन को ना माने ये नहीं हो सकता। चेतना ही तो जीव है। इसलिए कॉन्सियसनेस पर बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार होती है साइंटिस्ट्स की। उपयोग के पर्यायवाची अभी आप चेतना समझ लो। ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग की परिभाषा दी है, चैतन्यानुविदायी परिणाम उपयोग, चेतन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चेतन संज्ञा है, जीव है, और उसका व्यापार चेतना है, उपयोग है। समझ गए? चेतन और चेतना में क्या फर्क है? चेतन द्रव्य का नाम है, चेतना उसकी पर्याय का नाम है। उपयोगो लक्षणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। सद्विदो, लेकिन कठिन कुछ नहीं, अब परीक्षा के हिसाब से कुछ नहीं है। परीक्षा में आपसे इतना पूछा जाएगा, जीवस्य किम लक्षणम, और आपको इतना याद रखना है लेकिन कि जीव का लक्षण उपयोग है। और साथ में छोटा सा सूत्र है, अगर लिख दो तो बहुत बढ़िया बात है, उपयोग लक्षण, और कुछ नहीं है इसमें। समझने के लिए बहुत है, परीक्षा के लिए बहुत थोड़ा है। उपयोगो लक्षणम सद्विदो अष्ट चतुर्भेद, स माने उपयोग, उपयोग माने चेतना, दो प्रकार की है अष्ट चतुर्भेद। और फिर उसके आगे बढ़ो तो 8 और 4 भेद होते हैं। 2 चेतना के भेद कौन से? के ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, या कहो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। और ज्ञान उपयोग के फिर 8 भेद है, कौन से? 3 अज्ञात। और 4 प्रकार के दर्शन उपयोग, गुड। संसारिणो मुक्ताश्च, देखो कितने छोटे छोटे सरल सरल सूत्र है। ये बीज मंत्र जैसे दिखाई देते हैं मुझे, दूसरे अध्याय के सूत्र छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े बीज मंत्र लगते हैं। बीज मंत्र समझ गए आप, जिनमें बहुत भरा होता है। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार, बड़ा गहरा सूत्र है, बड़ी बहस हुई है दार्शनिकों में। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। परीक्षा में इतना ही आना है, बहस कितनी भी करो। संसरणम संसार मुक्ता, किससे मुक्त, कहाँ से मुक्त? तो बोले राग द्वेष से मुक्त। मुक्त माने छूट, छूटा हुआ। कहाँ से छूटा हुआ? राग द्वेष से छूट। ऐसे बहुत बहस हुई है, मुक्त क्यों, किससे, कब, कब तक के लिए, बहुत लंबी बहस हुई है। मुक्त क्यों हुए, कब तक होंगे, दोबारा संसार में आएंगे? दुनिया में आतंक होगा तो जन्म तो लेंगे, आएंगे त्रिशला के दरवाजे। बहुत बहस हुई है कि मुक्त कब तक, इसलिए बहुत लंबी बातें हैं वो। तो संसार ये आप चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सारी जिंदगी तत्वार्थ सूत्र का ही विस्तार होना है बस। संसारिणो मुक्ताश्च, समनस्का अमनस्का, मन की अपेक्षा देखा जाए तो जीव 2 प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। कुछ जो मन सहित हैं वे समनस्क है, और जो मन रहित हैं वे अमनस्क है।
अब ये मन क्या होता है, इस पर बहुत लंबी है। हमारे यहाँ 3 दिन की सेमिनार हो चुकी है यहाँ विद्यापीठ में, मन का क्या स्वरूप है, और सुबह 10 बजे शुरू होती थी, शाम को 5 बजे तक खत्म होती थी। मन का क्या स्वरूप, मन कैसा होता है, किसे कहते हैं मन, कैसे जाने। देखो एक इंद्री कौन, 2 इंद्री 3, ये तो हम पहचानना सीख गए, लेकिन कौन संगी है कौन असंगी है ये पहचानना आज भी कठिन है। तो इस पर बहस हुई कि मन माने क्या, रियल में मन माने क्या। एक षटखंडागम में एक जगह ऐसा लिखा है कि जो अपना नाम बुलाने पे आ जाए, जैसे मान लो हमने कुत्ते का नाम रख दिया कोई, और वो समझ जाए कि मेरा नाम ये है, और उससे कह वो जो चीज़ों को सुन ले अपने नाम, वो संगी है, ऐसी परिभाषा भी कहीं दी है, बोले पहचानने के ये चिन्ह हैं। कोई कोई होते हैं, अब जैसे सारे तोते संगी होते हैं, लेकिन कोई तोता असंगी भी होता है, सारे सांप संगी होते हैं, लेकिन कोई कोई सांप असंगी भी होते हैं। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तो असंगी ही होते हैं, वे तो सभी असंगी है, उनके वे तो असंगी ही है। पंचेंद्री में ही 2 चक्कर पड़ते हैं, पंचेंद्री में कोई संगी है और कोई असंगी है, तो कौन संगी है कौन असंगी। मननम करोति, जो मनन करता है, सोचता है, चिंतन करता है, वो मन है। हिता हित के विवेक पर फिर आपत्ति आ गई। आप चींटी को भी नमक की डली डालो और मिश्री की डालो, तो नमक की डली छोड़ देगी मिश्री की, तो हिता हित जान लिया उसने, उसे एक तरफ आग है और एक तरफ नहीं है, तो वो आग की तरफ जा रही थी तो बच के आ जाएगी, वो इधर चल देगी, तो उसे हित और अहित का। लेकिन ये परिभाषा पर फिर बहस हुई और उन्होंने कहा ये कोई हित अहित जानना नहीं है, ये तो वो उसको शरीर से गर्म लगा इसलिए हट गई। वास्तव में किसमें मेरा भला है, आप मिठाई खाते हैं और जान जाते हैं नहीं नहीं मैं डायबिटिक हूँ मुझे नहीं खाना है, ऐसा चींटी नहीं जानेगी, ये मुझे भविष्य में नुकसान करेगा, ये जो समझ जाए वो संगी है। खैर बहुत बहस हुई है और मैं भी शायद अभी कम समय है, कुछ बहुत विषय भी लंबा लेना पड़ेगा इसलिए स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बात है कुछ ऐसी और सब में दम है बात में। हित हित वाली परिभाषा भी एकदम सही है, आचार्यों ने ही दी है इसलिए वो गलत नहीं है, जो हित हित का विवेक कर ले वो संगी है। संगी और समनस्क एक ही बात है, अब ये याद रखना है जरा सा, हो सकता है परीक्षा में आपसे संगी किसे कहते हैं पूछ ले समनस्क क्या है, तो इतना याद रखना है, संगी माने मन वाला और असंगी माने अमनस्क। तो समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रसस्थावरः, संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर, ये संसारी के 2 भेद हैं, खुद समझा रहे हैं आगे। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरः द्विइंद्रियादय त्रसः, ऊपर सूत्र में कहा संसारिणस्त्रसस्थावरः, नीचे कहा कि पृथ्वी अप तेज वायु और वनस्पति ये स्थावर है। अब आपको अप याद ना रहे तो जल, तेज याद ना रहे तो अग्नि, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, जीव स्थावर हैं, एक इंद्री हैं। और द्वि इंद्रियादय, जो 2 इंद्री आदि, आदि माने 2 इंद्री भी हो सकते हैं, 3 इंद्री भी हो सकते हैं, 4 इंद्री भी हो सकते हैं, वे त्रस हैं। द्वि इंद्रियादय, जिनके 1 इंद्री है वे स्थावर है, और जिनके 2 आदि इंद्रियां हैं वे त्रस हैं। लेकिन 2 आदि कह दिया तो पता नहीं चला कब तक बढ़ते बढ़ते रुकना है, इसलिए अगला सूत्र लगाया पंचेंद्रियाणी, के दो इंद्री बोल दिया, 3 इंद्री बोल दिया, 4 इंद्री बोल दिया, पंचेंद्री, अब 6 इंद्री 7 इंद्री बोलते मत चले जाना,
पांचवें रुक जाना, पंचेंद्रियाणी द्विविधानी, ये पांचों ही इंद्रियां दो प्रकार की है। विद शब्द का मतलब होता है कहीं भी लगा दो किसी भी संख्या में, विद माने प्रकार, एक विद, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध, दसविध, पचासविध, सतविध, विध माने सहस्रविध, विध माने प्रकार, विविध, विविध माने विशेष प्रकार के, अनेक प्रकार के। तो द्विविधानी दो प्रकार की है, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। एक ये शब्द ध्यान दो, बहुत से लोग गलत लिख देते हैं, निर्वृत्ति, दो शब्द अलग अलग है। देखो कई जगह ये भूल होती है, एक शब्द होता है निवृत्ति, एक ये निवृत्ति है, एक ये निवृत्ति है, क्या फर्क है? ये निवृत्ति का मतलब होता है काम काज छोड़ना, निवृत्ति ले ली हमने, दुकान छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, प्रवृत्ति से हटना वो निवृत्ति है, प्रवृत्ति से बचना वो निवृत्ति है। तो एक तो निवृत्ति शब्द होता है, एक निर्वृत्ति होता है। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है रचना, निर्वृत्ति माने निर्माण, संरचना। देखो कितना फर्क है, कहीं का कहीं भी इस्तेमाल कर दो तो दिक्कत होती है। हाँ वो दोनों सही है, ये कुछ शब्द दोनों तरह से चलते हैं, दस भी दोनों तरह से चलता है। जैसे मान लो दस, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तो संस्कृत का है। नहीं, दोनों ही संस्कृत में है और अशुद्ध नहीं है, दोनों शुद्ध है। पृथु धातु से मूल में यही बनाया है, पृथ्वी यही मूल शब्द प्राचीन है, लेकिन बाद में संस्कृत वैयाकरणों ने ये भी मान लिया है, इसलिए दोनों ठीक है, अशुद्ध कोई भी नहीं है। पृथु धातु से फैलने अर्थ में, संस्कृत पढ़ने से बहुत फायदा हुआ, शब्दों की जड़ पकड़ में आई कहाँ से क्या है। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, यहाँ देखो पुराना शब्द पृथ्वी दे रखा है, पृथ्वी नहीं देगा, पुराना शब्द है दो। इनसे भी पता चलता है कि शास्त्र प्राचीन है, क्योंकि बाद में आकर के सर्वार्थ सिद्धि में पृथ्वी आ गया, लेकिन इसमें मिल गया। तो आज ये जो पुराने ग्रंथों को ढूंढने वाले आज राजा राम जी बोलते हैं ना, तो आपको ऐसी चीजें बताते कि भैया वो अभी तबीयत उनकी ठीक नहीं रही है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहे, पता नहीं, अभी आपके भाग्य हमारे भाग्य है, अभी थोड़ी देर इंतजार करो, क्या होता है पता नहीं है। सुना, मुझे लगा कि नहीं आ रहे। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विइंद्रियादयस्त्रसहा पंचेन्द्रियाणी द्विविधानी निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। अब ऐसे करके आप है ना एक ऐसा बनाना कि छोटा सा है ना चार्ट वार्ट भी जरूर बनाया ना परीक्षा में। अब जैसे इंद्रिय है और फिर इसके दो भेद करो, द्रव्येन्द्रिय ऐसे करके इनके भेद करो, फिर इनके करो, फिर इनके करो, ऐसे करके चीजों को समझाना, चार्ट वगैरह जरूर बनाने चाहिए। इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र के लिंग को, लिंग माने चिन्ह, पहचान के चिन्ह को लिंग कहते हैं। और इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र माने, इंद्र शब्द का अर्थ है आत्मा, इंद्र शब्द का अर्थ होता है बहुत शक्तिशाली, इंदतीति इंद्र, और उसका अर्थ किया आत्मा, आत्मा बहुत शक्तिशाली है इसलिए उसका नाम इंद्र रखा, इंदतीति इंद्र। तो इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, और इंद्रियां दो प्रकार की होती है, आप चीज को समझने पर जोड़ दो यहाँ जरा सा, दो तरह की इंद्रियां हैं, एक द्रव्येंद्रिय एक भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्या होती है और द्रव्येंद्रिय आप एक दफे समझ लो जरा सा। देखो जो ये आँख है ना,
ये तो है द्रव्येंद्रिय, और आंख के पीछे आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों में जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, जो देखने की शक्ति प्रकट हुई है, उसका नाम है भावेंद्री। ये तो है द्रव्येंद्री, लेकिन यहीं पर जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें उनमें सुनने की शक्ति प्रकट हुई है। सुनता कौन है? सुनने का ज्ञान आत्मा करता है। तो वो जो सुनने की शक्ति प्रकट हुई है अंदर, उसका नाम है भावेंद्रिय, और ये है सारी द्रव्येंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय फिर दो प्रकार की, एक बाह्य और एक अंतरंग। बाहर की है वो तो नाम है निर्वृत्ति, और अंदर जिससे रियली सुना जा रहा है वो छोटा सा पार्ट। आंख इतनी बड़ी नहीं है, आंख होती है मसूर के दाने जितनी, जरा सी सरसों दाने जितनी आंख है असली, जो देखने का काम करती है वो है उपकरण, बाकी निर्वृत्ति। तो दो तरह से इसके भेद, भावेंद्री के भी दो भेद। आत्मा में जो ज्ञान है वो भाव है, भावेंद्रिय ज्ञान की पर्याय का नाम है, द्रव्येंद्रिय पुद्गल की पर्याय का नाम है। हाँ जैसे आपने कहा ना कि ये भावेंद्रिय, हाँ तो नहीं ये द्रव्येंद्रिय, ये हाँ 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 वो जो आत्मा के प्रदेश है सिर्फ इतनी जगह में होंगे उसके बारे में भी डिटेल आया है कि आत्मा के प्रदेश लगातार घूमते रहते हैं, तो वो क्षयोपशम, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे ना तभी उनमें होता है। वो यहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं, मान लो ऐसे राउंड लग, तो ये यहाँ जब है तब उनमें भाव भाव कर्णेन्द्रिय है, और वो आगे बढ़े तो भाव चक्षु इंद्रिय आ गई। बदलते हो तो लोक में भी चीजें हैं, हाँ हाँ घूमते रहते हैं। हाँ नहीं वो जो पहुंचे ना पर्दे, पर्दा जो है जो असल में सुनने का काम, जो फूट जाए तो सुनना नहीं जाएगा, वो है उपकरण। और जो सुनने का काम जो आत्मा के प्रदेश कर रहे हैं उसका नाम है भावेंद्रिय। हाँ हाँ उपकरण खराब है, ये तो यहाँ भी होता है। जैसे मान लो मेरी आंखें खराब हो जाए तो थोड़ा चश्मा ले लेते हैं, और मान लो ये चश्मे की जगह ये ग्लास की जगह यहाँ लोहे का टुकड़ा लगा दिया जाए तो आंखें ठीक है लेकिन नहीं देख सकते क्योंकि उपकरण खराब है। इसलिए कोई, बहुत अच्छी बात है, कोई पंचेंद्रीय जीव ऐसा हो कि जिसकी आंखें फूटी हो जन्म से, जन्म से, तो उसे क्या चार इंद्री माना जाएगा? पंचेंद्री। तो उसने आज तक देखा नहीं, देखता नहीं, बोले उसमें शक्ति है, उपकरण खराब हो रहा है। कदाचित कोई वैज्ञानिक आविष्कार हो जाए, कोई व्यक्ति नेत्रदान कर दे और विज्ञान तरक्की कर दे और उसकी आंख बदली जाए तो देखने लग जाएगा। तो बिल्कुल भावेंद्री ठीक है, वो उपकरण में गड़बड़ आई है इसलिए। और उपकरण में हमारे आपके भी कभी कभी आती रहती है, बुखार हो गया तो जीभ दूध, मीठा दूध भी कड़वा लगता है, उपयोग ना लगे तो भी भावेंद्री गलत ध्यान दूसरी जगह देख रही हो, मैं देख रहा हूँ, अब ये सोचेंगी कि मुझे देख रहे हैं मैं उधर देख रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हो जाता है, ऐसा बहुत होता है। तो ये इंद्रियां कैसे, सर्वार्थ सिद्धि में बहुत इसका डिटेल वर्णन आया है। और आप जैसे किसी को दिखा दो ना, ये जैसे एक आंखों के डॉक्टर बैठते हैं ग्रीन पार्क में, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा जरा पढ़ना ये सर्वार्थ सिद्धि में आंखों की क्या डिटेल, अरे बोले मैंने साइंस में भी नहीं पढ़ी थी ये बातें। तो बहुत बारीक उसमें समझा रखा है कौन इंद्रिय कैसे का। मैंने एक स्टूडेंट को टॉपिक दिया था PhD का के इंद्रिय मीमांसा, जैन दर्शन में इंद्रिय मीमांसा, वो उसकी सर्विस लग गई और PhD छोड़ के चला गया, नहीं तो उसको टॉपिक दिया मैंने जैन दर्शन में इंद्रिय मीमांसा। आपको कभी PhD का टॉपिक चुनना हो तो मैंने एक टॉपिक बता दिया, बहुत प्यारा टॉपिक है, 5 इंद्रियों पर आप PhD करो, 400-500 पेज लिखे जाएंगे, तब खुलेगा मैटर, इंद्रियां कैसे काम करती है, इंद्रियों का आकार क्या है,
कौन इंद्री कैसे प्राप्त होती है, कैसे, बहुत सारी बातें हैं निकल करके ढेर। चलो, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय है और लब्धि और उपयोग ये भावेन्द्रिय है। स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये पांच इंद्रियों के क्रमशः नाम हैं। ये नाम याद क्रम से ही सबको होने चाहिए, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, तदर्था तदर्था माने उनके अर्थ हैं, उनके विषय हैं। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, उनके पदार्थ है, उनके पदार्थ माने उनके विषय। पांच इंद्रियां हैं, इंद्रिय का नाम स्पर्शन, उसके विषय का नाम स्पर्श, इंद्रिय का नाम रसना, विषय का नाम रस, इंद्रिय का नाम घ्राण, विषय का नाम गंध, इंद्रिय का नाम चक्षु, विषय का नाम वर्ण, और इंद्रिय का नाम श्रोत्र, और विषय का नाम शब्द। ठीक है, स्पर्श रस गंध वही क्रम से बता दिया, स्पर्श स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। श्रुत मनिन्द्रियस्य, बता सकते हैं, परीक्षा में नहीं आने, परीक्षा में आपके टीकाएं नहीं है। देखो क्यों नहीं आएंगे उसका न्याय संगत उत्तर सुनो, आपसे ज्यादा बात क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि आप कोर्ट केस कर सकते हो। आप कह सकते हो हमारे कोर्स में तत्वार्थ सूत्र है, उसमें जितना लिखा है उतना पूछ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। इसमें जो लिखा है वही पूछ सकता है परीक्षक, उससे ज्यादा पूछ नहीं सकता हो उस, क्योंकि परीक्षार्थी कह सकता है टीकाएं मेरे कोर्स में नहीं थी, आपने कैसे पूछा। इसलिए आप समझ, ये टीका का विषय इसमें कहाँ लिखा है, और तो स्पर्श के आठ वेद हैं, यहाँ तो नहीं लिखा, कैसे पूछे। आप कोई विद्यार्थी लिख आओगे तो वो खुश हो जाएगा, वो अलग बात है। आप लिख दो, हम जितना अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करो उतना ही अच्छा है। हाँ ये तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो बात वही पूछी जाएगी जो सूत्र में लिखी गई है, इससे बात पूछ नहीं सकता वो। नहीं, दो चार पेज ऐसे बढ़ जाएंगे ना, अब वो पूछेगा कि तत्वार्थ सूत्र का परिचय दीजिए, अब क्या करोगे, पूरा तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु बताइए, दूसरे अध्याय का सारांश लिखिए, तो अब ये सारा लिखना पड़ेगा, ऐसे में बड़े भी प्रश्न आएंगे। हाँ हाँ आएगा, दूसरे अध्याय में बता रहा हूँ ऐसा आएगा, दूसरे अध्याय का सारांश लिखिए। आपको बता रहा हूँ ना, 12 पेज के नोट्स बना लो घर पर, पहला पेज प्रथम अध्याय का सार, दूसरा दूसरे अध्याय का सार, तीसरे अध्याय का सार, 10 अध्याय के सारांश बनाओ और दो अलग से तत्वार्थ सूत्र के परिचय के बनाओ। इंद्रिय का नाम रसन है कि रस? नहीं, रसन, रसन जैसे कोई पूछे पांच इंद्रियों के नाम, तो हाँ, रसन हिंदी में उसको रसना बोलते हैं, हमने उसको रसन को ही हमने हिंदी में स्त्रीलिंग बना दिया, रसना कर दिया, पर इनने तो सबको नपुंसक लिंग रखा है, इसलिए स्पर्शनम रसनम घ्राणम चक्षु श्रोत्रम, पांचों को उन्होंने नपुंसक लिंग में बड़ी कुशलता से एक लिंग में प्रयोग कर रहे थे सबको। इंद्रियाणी द्विविधानी पंचेन्द्रियाणी द्रव्येन्द्रियम, सब जगह एक लिंग पकड़ के चले वो। हाँ हिंदी में लिखेंगे रसन, दोनों लिख सकते हैं, कोई भ्रम होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, जिससे सुना जाए इसलिए उसका नाम श्रोत्र है। मैंने एक दफे किसी से ऐसे सुन लिया था, तो मैंने उनको टोका भी था कि कोई प्रमाण बताओ, उन्होंने कहा श्रोत्र अलग है कर्ण अलग है, बोले कर्ण ये है और श्रोत्र अंदर हो। मैंने कहा ऐसा कोई भेद कहाँ लिखा है शास्त्रों में बताओ, पर्यायवाची है, जैसे चक्षु को नेत्र कह सकते हो, लोचन कह सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है,
नेत्र लोचन चक्षु सब पर्यायवाची हैं। आँख भी लिख जाओगे तो सही है, कान भी लिख जाओगे तो सही है, हिंदी में लिखोगे तो वही स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः श्रुत मन इंद्रियस्य। अब इस पर ध्यान दो, ऐसे ऐसे छोटे सूत्रों का कभी अर्थ पूछा जाए तब नहीं लगेगा, भूल जाओगे, अरे क्या था, आगे पीछे का तो कुछ वहाँ दिखेगा नहीं। इसका अर्थ है, कुलदीप जी समय थोड़ा मुझे ऐसे कर देना, थोड़ा पता नहीं चाहे। श्रुत मन इंद्रियस्य, अनिंद्रिय शब्द का अर्थ है मन, याद रखना अनिंद्रिय, दो शब्द है। अब यहाँ भी भूल नहीं होना, एक होता है अतीन्द्रिय, एक होता है अनिंद्रिय, क्या फर्क है? अनिंद्रिय माने अनिंद्रिय शब्द से लगता है इंद्रिय नहीं, इंद्रिय नहीं माने छोटी इंद्रिय मन, तो अनिंद्रिय शब्द का अर्थ है मन। अपन ने वहाँ भी मति ज्ञान में भी पढ़ा था तदिंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम, और अतीन्द्रिय माने इंद्रियातीत, जो इंद्रियों को पार करके जिसमें इंद्रिय मन की कोई सहायता नहीं होती उस ज्ञान को कहते हैं अतीन्द्रिय, और अनिंद्रिय ज्ञान माने मन का ज्ञान। तो मन का विषय क्या है, पांचों इंद्रियों के विषय तो बता दिए लेकिन मन का विषय नहीं बताया, तो कह रहे श्रुतम अनिंद्रियस्य, मन का विषय केवल श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान ही मन का विषय है। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंत वनस्पति के अंत तक, वनस्पत्यंत माने जो हमने एक चीज गिनाई थी, एक लिस्ट दी थी उन्होंने पूछे पीछे, तो कह रहे उस लिस्ट में वनस्पति तक, वनस्पति को लास्ट में कर दो, वहां तक सबके एक इंद्रिय है। कौन सी लिस्ट दी थी? पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति, तो बोले वनस्पति तक रुक जाना, पृथ्वी के अप के तेज के वायु के और वनस्पति के, एकम एकम माने एकम इंद्रियम, हाँ अनिंद्रिय है मन को इंद्रिय भी कह देते हैं और अनिंद्रिय भी कह देते हैं, दोनों विवक्षाएं चलती है। इंद्रियों की तरह बाहर नहीं है, इंद्रिय उसे कहते हैं जो बाहर हो दिखाई दे, ये आत्मा के चिन्ह का नाम इंद्रिय है ना, तो दिखना चाहिए, दिखती नहीं है इसलिए इंद्रिय नहीं है, लेकिन वो जानती इंद्रियों की तरह ही है, सीमित पराधीन, इसलिए वो इंद्रिय भी है, इस हाँ इसलिए उसको छठी इंद्रिय करके अनिंद्रिय करके बोलते हैं। इस पर विवाद हुआ तो आचार्यों ने अनिंद्रिय कर दिया, ईसत इंद्रिय अनिंद्रिय। हाँ हाँ वो ऐसे ऐसे है कि वो चर्चा ये आई थी कि ये क्रम क्यों है पृथ्वी जल, तो ये बताया था पृथ्वी कायिक जीवों की संख्या कम है, उनसे ज़्यादा जल कायिक, उनसे ज़्यादा अग्नि कायिक, उनसे ज़्यादा वायु कायिक और सबसे ज़्यादा वनस्पति, तो ये समझ में नहीं आया कि वनस्पति कायिक सबसे ज़्यादा कहाँ है, हमें वायु कायिक ज़्यादा लगे, हमें अग्नि, तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एकाएक अंत में ध्यान आया कि वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक साधारण वनस्पति एक प्रत्येक, और जो प्रत्येक वनस्पति हो तो जैसे पीपल का पेड़ है, जो एक शरीर और एक आत्मा वो तो कहते हैं प्रत्येक वनस्पति, और साधारण वनस्पति, समझ रहे हैं आप प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या फर्क, कि पेड़ भी एक है, एक नीम का पेड़ खड़ा है, पेड़ भी एक और जीव भी एक, लेकिन जो जमीकंद आदि है, जो ऐसी वनस्पतियाँ कि जो शरीर तो एक है लेकिन उसमें आत्माएं बहुत सारी हैं, तो उनको साधारण वनस्पति कहते हैं, और उन साधारण वनस्पतियों में अनंत जीव माने हैं, अनंत, इसलिए वनस्पति का एक ज्यादा। तो सर एक मेरे यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, हाँ जैसे आपने वो ये तो बता दिया कि वनस्पति जैसे हमारे शरीर में निगोदिया है, वो अलग बात है, वो कौन से जिसमें आएंगे, हाँ कौन सी काय में आएंगे, वो तो वनस्पति में नहीं आ सकते, जगह ठसाठस भरी हुई है, वो जिसमें निगोदिया जो बड़ा हुआ थोड़ा देखो लोग में, हमारे शरीर में जो निगोदियाँ, बोलो तुम लोग कुछ,
किसी को पता है इसका उत्तर? किसी को पता हो तो बताओ, मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। पंचेंद्री तो होते हैं नहीं, प्रश्न ये है, प्रश्न अच्छा है, प्रश्न ये है कि एक निगोदिया तो वे होते हैं जो वनस्पति कायिक हम जानते हैं। एक निगोदिया जैसे मेरे पेट में दो इंद्री जीव भी है, तीन इंद्री भी है, लेकिन निगोदिया भी है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, है एक इंद्री तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी कायिक है कि जल कायिक है कि अग्नि कायिक है कि वन, ऐसा प्रश्न। तो निगो, तो क्या निगोदिया पांचों प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ बहुत, मुझे खुद बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए, अब मैं देख के ही बात करूंगा, क्योंकि निगोदिया सब तरह के नहीं होते, पांचों तरह के नहीं होते, मुझे ही प्रश्न बहुत पैदा हुए, पढ़ेंगे घर जाकर। जैनेन्द्र सिद्धांत को शरणम पवज्जामी। चलो क्रमी पिपीली, हाँ तो वन अनिंद्रिय, अनिंद्री का अर्थ है ना इंद्रियम इति इंद्रियम, अनिंद्रियम ईसद इंद्रियम, ना इंद्रियम ईसत इंद्रियम अनिंद्रियम, के जो इंद्रिय नहीं है लेकिन छोटी इंद्रिय ईसत इंद्रिय। देखो इस पर सर्वार्थ सिद्धि में यहीं पर एक बढ़िया उदाहरण दे रखा है कि आपने इंद्रिय नहीं क्यों कहा, फिर नेगेटिव उल्टा क्यों कर दिया, अनिंद्रिय क्यों कर दिया? तो उनने उदाहरण दिया जैसे अनुदरा कन्या, बोले एक लड़की के बारे में कहा इसके तो कमर ही नहीं है, पतली कमर की लड़की को क्या बोलते हैं, कमर ही नहीं है, तो कमर नहीं है, बिना कमर की कोई लड़की होती है? बिना कमर की कोई लड़की होती नहीं है, लेकिन पतली कमर को जैसे दुनिया में कहा जाता है कि उसके कमर ही नहीं है, ये व्यवहार है ये, हाँ नहीं तो कैसे शब्द बनेगा, शब्द नए भी काम कर रहा है यादव। इसीलिए तो बहुत बहस होकर के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मान भी लिया नहीं भी मान लिया, पक्ष में भी तर्क जबरदस्त थे, विपक्ष में भी तर्क जबरदस्त थे, तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि वो अनिंद्रिय है। बहुत अच्छा गहरा चिंतन है बहुत इसमें। वनस्पत्यंता नाम एकम, जैसे कम धन वाले को निर्धन कहते हैं, कम खाने वाले को नहीं, अरे आप तो कुछ खाते ही नहीं हो, कम खाते तो क्या बोलते हैं, कुछ खाते ही, ये तो निर्धन है, निर्धन माने एक भी पैसा नहीं है, है कम है वैसे है। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी, ये बहुत अच्छा सूत्र है, और वो आपको तीन लोक के सब जीवों को पहचानना सिखा देता है कि कैसे जीव, देखो वनस्पति तक तो एक इंद्री वाले हैं, दो इंद्री वाले जीव कैसे होते हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया यहाँ, एक प्रतिनिधि क्रमी, कि ये जो लट, क्रमी माने लट, लट टाइप के, लट कहा है लेकिन लट टाइप के जितने भी जीव है, दो इंद्री जीव सब एक से होते हैं, तीन इंद्री सब एक से होते हैं, चार इंद्री सब एक से होते हैं, पहचानना आसान है। तो क्रमी माने लट जैसे सारे जीव, पिपीलिका चीटी टाइप के सारे, चीटी हो, खटमल हो, जू हो, जू हो जाती है, ये सब एक टाइप के जीव है, ये सब तीन इंद्री जीव है। और भ्रमर उड़ने वाले इंसेक्ट्स, देखो एक तो लट, एक तो रेंगने वाले कीड़े दो इंद्री, चलने वाले कीड़े तीन इंद्री है, उड़ने वाले कीड़े इंसेक्ट तीन तरह के, एक रेंगने वाले इंसेक्ट, समझ में आ गया, देखो कितना अच्छा पकड़ में आ गया। क्रमी आप कोई भी कीड़ा आपके सामने ले आए आप पहचान सकते हो ये दो इंद्री है कि तीन इंद्री है कि, बॉटनी सीख ली आपने, बायोलॉजी सीख ली, देखो बायोलॉजी सीख ली आज, देखो तीन में आएगा, उड़ता है क्या, हाँ तो चार इंद्री है,
उड़ता है तो चार इंद्रिय, हाँ हाँ, सांप आगे आएगा, सांप पंचेंद्रिय, वो इंसेक्ट रेंगने वाला इंसेक्ट नहीं है, वो इंसेक्ट की बात है, इंसेक्ट की बात है, सांप इंसेक्ट है क्या, हमें खा जाए, निगल जाए, निगल जाए। कबूतर पंचेंद्री, पशु पक्षी, हाँ पशु पक्षी में इंसेक्ट, उड़ने वाले कीट, कीटाणु, उड़ने वाले कबूतर चिड़िया नहीं, हाँ उड़ने वाले कीड़े, समझ आया नहीं थी कभी भी ना, हाँ एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं कि कौन सा नहीं आएगा, आराम से बहुत क्लियर सब सम। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी संगिना समनस्का, इन्हीं में से जिनके मन होता है, समय तो हो गया दिखता है, ठीक है ना, 9 बज गए, ठीक है ना, संगिना समनस्का, ये बहुत अच्छा सूत्र है ये, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी संगिना समनस्का, के जो मन वाले हैं वे संगी हैं। और अब ये विग्रह गति का प्रकरण आएगा, अब बाद में अगली बार दोहराएंगे नहीं, इसको अब अगली बार पूरा कर देंगे, ठीक है, हाँ हाँ वो लट टाइप है ना वो सब नहीं, एक तो चने में घुन लगता है जो वो तो चने का घुन तो उड़ता है, वो तो मक्खी के क्वालिटी का है वो, हाँ वो चार इंद्रिय है, बहुत फर आप चीज साइज से मतलब नहीं है, आप कीड़े तीन तरह के, एक रेंगने वाले कीड़े लट जैसे, लट जैसे सिर्फ ऐसे ऐसे लट जैसे, वे सब दो इंद्रिय हैं, और जो चलने वाले कीड़े वे सब तीन इंद्रिय, और उड़ने वाले चार इंद्रिय, ऐसे हाँ उड़ने वाले कीड़े, उड़ने वाले जीव मत कर देना ये ऐसे कर, हाँ एक मिनट एक प्रश्न और, हाँ क्या हम सभी इंद्रियों का उपयोग एक ही समय में एक साथ करते हैं या नहीं करते हैं एक साथ, सुनो सुनो अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न, नहीं नहीं प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न ये है क्या पांचों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं एक समय में, युगपत नहीं करती है, क्लियर प्रश्न है, बहुत अच्छा उत्तर है, देखो सुनो सुनो कारण सुनो, जानने का काम कौन करता है, आत्मा, आत्मा का ज्ञान गुण ही जानता है, और उस ज्ञान गुण से जानने का काम वो एक समय में एक इंद्री से ही करेगा, शास्त्रों में ऐसा उदाहरण दिया है कि एक महल में झरोखे में रानी बैठी है और झरोखे में 5 खिड़कियां हैं, रानी एक है, अब वो कभी इस झरोखे में से झांकती है कभी उस झरोखे में, नीचे वाले सोचते हैं 5 रानियां अंदर है, रानियां 5 नहीं है, रानी एक है, और वो एक समय में एक ही में झांक सकती है, एक साथ दो, तो किसी समझदार ने कहा एक साथ 2-3 झरोखे में दिखवाओ, अगर अंदर 5 रानियां हैं तो नहीं संभव है, बोले रानी एक है, आप समझ गए ना, आत्मा एक है, और इसी में से बहुत गजब की बात ये निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप पांचों इंद्रियों से व्यापार रोकेंगे तब आप आत्मा को जान पाएंगे, क्योंकि आप देखो जब ऐसा होता है, अब आप मैं तर्क करता हूँ, मैं टीवी एक साथ देखता भी हूँ सुनता भी हूँ, नहीं टीवी लगा हुआ है तो मैं देख भी रहा हूँ सुन भी रहा हूँ, तो अभी तो कहा कि नहीं एक समय में एक ही काम हो सकता है, फिर कैसे हो रहा है, बहुत डिफरेंस है, असल में हम लोग हम उनको आपस में कनेक्ट करते जाते हैं, हम वहाँ पर जब देखते हैं ना तब सुनते नहीं हैं, जब सुनते हैं तब देखते नहीं हैं, लेकिन कौए की आँख की तरह, ये उदाहरण है शास्त्र में, कौए की आँख की तरह, कौए के ऐसा लग एक ही आँख होती है, कौआ काना काना कौआ, वो सही है काना कौआ होता है, एक ही आँख होती है कौए के, 2 आँख नहीं होती है, वो तो 2 छेद होते हैं और तेजी से इधर 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 घुमाता है वो, तो ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ देख रहा है, दोनों जब इधर देख रहा है तो इधर नहीं दिखता उसको,
कभी कौआ पास बैठा हो तब ध्यान से देखना, वो दोनों तरफ नहीं दिखता, उसके गड्ढा ही दिखेगा खाली, इधर देख रहा होगा तो कुछ नहीं होता, आँख घूमती है। ऐसे ही हमारा उपयोग घूमता है, पांचों इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती है, एक समय में एक को ही विषय बनाया जा सकता है। और इसीलिए जब सब इंद्रियों का विषय बंद होगा तब आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने को जानेगा। इसलिए इंद्रिय संयम ध्यान जरूरी है, बाहर रहेगा तो आत्मा को कैसे जानेगा। आप एक टाइम पे एक काम कर सकते हो, नहीं कर सकते दो काम। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और कुछ खा रहा हूँ, खाने में बहुत स्वादिष्ट आ गया, तो मैं आपको आंखें खुली रहेगी फिर भी नहीं देखूंगा, मेरा उपयोग वो रस में अगर चला गया। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, खाना खाओ तो टीवी बंद करो, सब बंद करो, अकेले शांति से। कुछ लोग तो ऐसे आंख बंद कर करके खाते मजे से, वो पूरा रस लेते हो। ये है बात। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।